मॉर्निंग मैं बना रही हूँ अपने लिए जूस, वो स्किन ग्लोइंग जूस बना रही हूँ, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। सबसे पहले आपको ले लेना है अनार। अनार यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हो। इसमें आप गाजर, बीटरूट वगैरह भी ऐड कर सकते हो। मैं बता रही हूँ बीटरूट देखो मैंने ऐसे ना स्लाइसेस में कट कर ली हूँ। थोड़े यहाँ पे मैं एप्पल्स ऐड करूंगी, एप्पल को मैंने पील कर ली हूँ। आप इस तरीके से पील कर ले और एक बड़ा है ना जो सेब यूज करे स्किन ग्लोइंग के लिए। पूरा एक हत्था जो है ना सेब यूज कर रही हूँ। यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड करना है, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ना मदद करता है आपको वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा। इसमें आप ना थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह आपको चाहिए तो ऐड कर सकते हो। इतना पानी ऐड करना है कि ये बहुत अच्छे से एक ग्लास के जितना जूस बन जाए। पानी ऐड करती हूँ अब इसे एकदम अच्छी तरीके से मैं क्या करती हूँ ब्लेंड कर लेती हूँ 3 से 4 मिनट। उसके बाद आपको मैं फाइनल प्रोसेस बताऊँ। मैंने 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ली जूस को। बस इसी तरीके से आप ब्लेंड कर ले। एक पतीली ले ली, इसके ऊपर आप छन्नी रख ले और इसे आपको क्या करना है अच्छे से पूरा छान लेना है। एक्स्ट्रा जितना है वो ऊपर आ जाएगा और जितना जूस है वो पूरा नीचे आ जाएगा। तरीके से देखो मैं पूरा छान ले रही हूँ। आप इस तरीके से पूरा एक छन्नी ले ले और उसमें जो है ना पूरा अच्छी तरीके से छान ले। ये डेली पीना आपको, कम से कम आपको 30 दिन पीना है ताकि आपकी स्किन जो है ना ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से और उसके बाद जो आपकी स्किन है ना बहुत अच्छी तरीके से ग्लो करती है ना कुलसुम। हाँ मेरी कुलसुम को भी पीना है क्योंकि मेरी कुलसुम को भी अच्छे से क्या स्किन अपनी कोरियन स्किन करना है उसको। हाँ बोलो ना। और ये जो बचेगा वो फेस पे भी लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल दोनों चीज हो जाएगी, एक फेस मास्क भी हो जाएगा और कैमरा हिल रहा है। इसमें ना आप शहद दही कुछ भी ऐड करके जो है ना फेस पैक भी बना सकते हैं। ये देखो इस तरीके से आपको पूरा जूस निकाल लेना है। ये ग्लास में मैं जूस निकाल रही हूँ, एक मेरे लिए और एक कुलसुम के लिए, थोड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए जूस। इसमें देखो मैंने एक ना ये छत वाली स्ट्रो है ना, मैं कल गई थी खाना खाने के लिए वहां से भाई से मांग कर लाई थी, जुबान का चिल्लाना चल। ये रहा मेरा स्किन ग्लोइंग ड्रिंक जो बहुत मजे का होता है, तो आप भी जरूर ट्राई करना एंड मुझे फीडबैक जरूर देना। तो अभी कुलसुम टेस्ट करके बताएगी कैसा बना है। कुलसुम का ग्लास भी मैंने ऑलरेडी निकाल ली हूँ। रिफ्रेशिंग स्किन ग्लोइंग ड्रिंक जो है बन चुका है। कुलसुम को कैसा लगा? अच्छा लगा। और इसमें कैसी फील आ रही है पता है? काले खट्टे की फील आ रही है। हाँ काला खट्टा। इसमें मैंने शुगर नहीं ऐड करी हूँ बिकॉज मैं डाइट पे हूँ, तो डाइट में हम जब भी रहते हैं ना तो मैं शुगर अवॉइड करती हूँ। कुलसुम अगर तुमको चाहिए तो तुम अपने ड्रिंक में जो है ना शुगर ऐड कर लो। पी के वैसे टेस्ट कैसा लग रहा है? हाँ पापा, हाँ पापा। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है एंड ज्यादा वो लाइक कड़वा होता है ना वैसा भी नहीं है क्योंकि फ्रूट का जूस है तो अच्छा है। हाँ एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेरी व्लॉग और आप सबका स्वागत है अगेन एक न्यू वाले व्लॉग में। तो मैं आपको बता दूं कि फाइनली हमारी ट्रिप माशाल्लाह से बहुत अच्छी रही, लोनावला ट्रिप। आने वाली एक और ट्रिप हमारी प्लान हो रही है, वो इंशाल्लाह 1 मंथ बाद ट्रिप जो है हमारी होने वाली है। तो बस आप लोग दुआ करें कि वो ट्रिप भी हमारी बहुत अच्छी हो, बहुत सक्सेसफुल हो और आने वाले वक्त बहुत सारी चीज़ें होने वाली जिसके लिए मैं अभी से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, पर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम निकाल रही हूँ व्लॉग बनाने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए। तो इंशाल्लाह आपको आते वक्त में बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो है ना देखने मिलने वाले। ट्रिप कहाँ जाने वाले हैं वो आप लोग प्लान करो, बहुत ज़्यादा दिन की नहीं है, सिर्फ 2 डेज की जो है ना हमारी ट्रिप है। बहुत ज़्यादा दिन की रखे नहीं है क्योंकि भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है और हम ना बिल्कुल जा रहे हैं ट्रिप पे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होने के बाद। अरे इधर उन्हें सुनाई नहीं देगा क्या बोल रहे हो? अरे कुलसुम अच्छा नहीं नहीं तुम इधर आओ, पहले इधर आओ, इधर आओ थोड़ा, मतलब इधर खड़े रह के बोलो, एटलीस्ट तुम्हारी आवाज तो आए। तुम क्या बोल रही हो? तो फिर भी हम जाने वाले ट्रिप पे, तो आई होप हमारी ट्रिप सक्सेसफुल हो। एक्चुअली मेरी मम्मी ने तो एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दी कि अब कोई ट्रिप ट्रिप होने वाली नहीं है, चुप्पे चाप तुम लोग ना घर के अंदर बैठो। बट हम जो है ना चुप्पे चाप तो बैठने वाले है नहीं बिकॉज हमें घूमना बहुत पसंद है। तो ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग
तो इसके लिए हमने ट्रिप का जो है ना प्लान किया। अच्छा मैं अभी जो है ना इतना रेडी वेडी हुई हूँ ना, मैं आपको बता दूँ, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ नौशीन के, बिकॉज उसको मुझसे थोड़ा सा एक छोटा मोटा काम है, वहां से जाकर आऊंगी। उसके बाद मैं आपको आज रेसिपी देने वाली हूँ चिकन शामी कबाब की। घर में सबका बहुत ज्यादा मन कर रहा था चिकन शामी कबाब खाने का, तो मैंने बोला चलो आज जो है ना मौका है, गर्मा गर्म रोटी घी वाली और चिकन शामी कबाब जो है ना घर में बना लिया जाए। सेकंड मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाला जो मैंने आपको जूस की रेसिपी दी, वो मैंने आज से ना ट्राई की, स्किन के लिए बहुत ज्यादा मजे की है। और मैं ना अभी मतलब ना रेगुलर 1 महीने पीने वाली हूँ, तो मैंने सोचा आपको भी रेसिपी दे दूँ। अगर आपको एक्ने वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं, सनबर्न हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा नहीं है, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है छोटी मोटी, बीपी वगैरह लो रहता है या हाई रहता है, तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट ड्रिंक है। तो ये आप अर्ली मॉर्निंग पियो, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट। बता दूं कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो गए कि हम लोनावला गए तो मैंने वो जो भी है मेरा आर्ग्यूमेंट वगैरह क्यों हुआ, तो मैं आपको बता दूं एक्चुअली हमने जो पेमेंट दिए थे ना लोनावला बंगलों के लिए, तो हमने ना एकदम लग्जीरियस बंगला यहाँ से बुक किए थे, और हमें ये नहीं पता था कि हम जो बंगला बुक करें ना वो वाया एजेंट करे। एक्चुअली जब हम वहां पहुंचे ना, तो हमें ना फोटो कोई और बंगलों के सेंड हुए, हमें एड्रेस कोई और बंगलों का सेंड हुआ, हमारी बात किसी और बंगलों के लिए हुई, तो वहां जाने के बाद इतना सारा कंफ्यूजन हो गया, और मैं इतना बच्चे मतलब मेरे साथ जो भी कलेक्स वगैरह जो मुझ पे ट्रस्ट करके गए थे वो भी इतना कंफ्यूज हो गया, वो मुझे पूरे क्या हुआ, मैं वहां जाने के बाद सोच रही हूँ क्या हुआ, मैं खुद नहीं समझ पा रही। मैंने तो कंफर्मेशन एक ही बंगलों के लिए की थी और मैंने उसी के लिए ही सारी बातें की थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था इसके लिए हमारा बहुत ज्यादा मूड ऑफ हो गया था। तो ये चीज का आप भी ध्यान रखो, अगर ऑनलाइन पेमेंट, वैसे तो उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट हमारा रिटर्न कर दिए थे, फिर हमने डायरेक्ट बुकिंग किए थे क्योंकि मुझे फिर नहीं चाहिए था, मैंने बिल्कुल मना कर दी थी कि नहीं भाई हम इतना दूर से हैं, हम ऐसे बंगलों के लिए इतना पेमेंट तो बिल्कुल नहीं देने वाले, पेमेंट जो है रिटर्न किए। फिर हम लोग ने वहां पर रह के बात बात किए, सारी चीजें किए, उसके बाद फिर हम लोग ने क्या किया ना, आगे जो अपना एंजॉयमेंट है वो स्टार्ट किए। लेकिन जो बंगलों में हम गए थे ना, कुछ भी बोलो, मुझे इंटीरियर वहां का इतना अच्छा नहीं लगा, वहां पे बच्चों के थोड़ा गेम जोन वगैरह भी नहीं थे खेलने के लिए, जैसे थोड़े झूले रख देते या बैट बॉल रख देते या कुछ भी रख देते कि बच्चे पूरा 24 घंटे वहां रहने वाले, एक तो आजू बाजू में पूरा जंगल था, तो बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी चीजें नहीं थी, सिर्फ एक टीवी थी, टीवी में भी मतलब नॉर्मली बच्चे टीवी तो घर पे भी देखते, उनको बाहर जाके इतना मतलब मजा टीवी में मिलने वाला नहीं था। स्पीकर था, स्पीकर का वायर ही खराब था, वो बोल रहे थे आप खुद ही से क्या करो ना, स्पीकर का वायर तोड़ लो और तोड़ के अटैच करके कैसा भी चला लो। मैंने बोला वाह क्या बात है, वाह वाह। लेकिन वहां का खाना बहुत अच्छा था, उन्होंने जिन्होंने भी कुक किया था ना वहां का खाना, बिरयानी, उसके बाद हम लोग ने क्या लिए थे कुलसुम, चिकन मुगलाई, नहीं नहीं मुगलाई नहीं था, चिकन का कोई हम लोग ने आइटम लिए थे, खाना बहुत जबरदस्त था, इतना जबरदस्त था और क्वांटिटी भी ना बहुत जबरदस्त थी, तो बस यही सब रीजन था। बट हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया माशाल्लाह से, पूरी फैमिली ने काफी हद तक काफी मजे का एंजॉय करके आई। पैशो से आए मेरे बहुत सारे पार्सल, देखो ये सब मैंने ना ड्रेसेस मंगाई हूँ, अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, ये सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा जो है ना लेट चल रही हूँ, मुझे से व्लॉग स्टार्ट करना था, इसके लिए मैंने सोचा जल्दी से जो है ना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद जाऊंगी अपनी फ्रेंड के घर, वहां से जाऊंगी मार्केट, मार्केट से सारी चीजें लेके घर आऊंगी, एंड देन आने के बाद आपको रेसिपी दूंगी। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड वीडियो को बहुत सारा प्यार दे देना। नौशीन के घर पे और आज मुंबई में हो रही है मजेदार बारिश, ये देखो क्या मौसम लग रहा है ना, हवाएं क्या मस्त चल रही है, ये लाइटिंग बंद करी है कि नहीं चलती है, क्या मजेदार लाइटिंग मैंने चालू करवा ली हूँ सिर्फ व्लॉग के लिए, और ये देखो बारिश एकदम तेज हो गई है, मतलब बिन बरसे बरसात होती ना वैसी बरसात हो रही है यहाँ पे, ये देख लो क्या मजे की बारिश हो रही है, वाह वाह वाह, मस्त लग रहा है क्लाइमेट, एकदम मज़ेदार लग रहा है। तो अभी बस पीते हैं गर्मा गर्म चाय, नौशीन ने बनाई है हमारे लिए मज़ेदार सी चाय, हम पी रहे हैं गर्मा गर्म चाय। जैसे मैंने आपको बताई कि मैं बना रही हूँ चिकन शामी कबाब, इससे पहले भी बहुत बार रेसिपी दी हूँ, सोचा आज वापस दे दूँ, बड़ा मन कर रहा था शामी कबाब खाने का। तो मैंने चने की दाल ली हूँ, ये मेरी कुछ 300 ग्राम के जितनी दाल है, अब इसे ना मैं 1 घंटे के लिए भिगोऊंगी, बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं भिगोऊंगी,
सिर्फ एक घंटे के लिए मुझे इसे भिगो के रख देना है। उसके बाद जब ये भीग जाएगी तो मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगी। तो देखो एक घंटा हो चुका है मेरी दाल को अच्छे से भिगोते हुए। यहाँ पे देखो दाल मेरी अच्छे से, ये चने की दाल है ठीक है, फूक गई है। तो इसे हम ऐड कर देंगे सबसे पहले। चने की दाल ऐड करने के बाद हमें इसमें चिकन ब्रेस्ट यूज करना है। चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर ली हूँ ये देखो, और बहुत छोटे छोटे पीस में कट कर ली हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको 300 ग्राम की चिकनी चिकन बोनलेस लेनी है, और उसे भी आपको क्या करना है, ऐड कर देना है दाल के साथ। अब इसमें हम ऐड करेंगे बहुत थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से। अब इसमें डालेंगे हम एक चम्मच की जितनी हल्दी। हल्दी डालने के बाद इसके अंदर मैं बहुत थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला मैं एवरेज का गरम मसाला यूज कर रही हूँ, मैं हमेशा यही यूज करती हूँ। साथ ही साथ इसमें मैं ऐड करूंगी जीरा आधा चम्मच के जितना, आधा चम्मच के जितना जीरा ऐड कर रहे हैं हम इसके अंदर। जीरा ऐड करने के बाद इसके अंदर हमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, जिसमें मैंने ना अखा मिर्चा ली हूँ, यहाँ पे जिंजर ली हूँ मैंने चॉप की हुई, और चॉप की हुई यहाँ पे मैंने गार्लिक ली हूँ, और दो से तीन ग्रीन चिली ली हूँ। तो ये सारे मसाले हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके अंदर डालेंगे हम आधा ग्लास के जितना पानी, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, बिकॉज हमारी दाल भी भीगी हुई और चिकन जो है हमारी बहुत जल्दी कुक होती है, तो उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। तो अभी से हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और एक बार हम चेक कर लेंगे कि पानी हमारा प्रॉपर है कि नहीं। अगर आपको लगता है कम है, थोड़ा डालना चाहिए, तो आप बिल्कुल ऐड कर दें। अगर आपको लगता है कि ठीक है, इससे ज्यादा नहीं डालना चाहिए, तो आप बिल्कुल जो है ना इनफ कर दें। अब इसमें हम लगा लेंगे कम से कम 5 से 6 सीटी। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दी हूँ, और इसके अंदर अब लगभग मैं 5 से 6 सीटी आने दूंगी। जब तक इसके अंदर और इंग्रेडिएंट्स मुझे क्या ऐड करना है ना, उसे मैं कट करके ले लेती हूँ। तो जब तक हमारा शामी कबाब का मसाला कर रहा है, हमें एक चॉपर ले लेना है, या तो आप हाथ से भी चॉप कर सकते हो। मेरे चॉपर में ना काफी अच्छे से चॉपिंग हो जाती है, इसके लिए मैं चॉपर ले रही हूँ। इसमें आप थोड़ी सी कोथमीर ऐड कर दे, और कोथमीर के साथ साथ आप इसमें 3 बड़ी साइज की या 2 बड़ी साइज की प्याज ऐड कर दे, जितनी आपको ऐड करनी है आपके चॉइस के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं प्याज को ना ऐसे कट कर ले रही हूँ, और ये अभी 2 मिनट में काफी अच्छा चॉप हो जाएगा। अब क्या करूंगी मैं इसमें ऐसे चॉपर का ये लगा लूंगी, ये मैंने ना मैशो से मंगाई थी, और ये इतना काम का है ना, बस इसे फिक्स एकदम टाइट करना होता है, क्योंकि अगर ये टाइट फिक्स नहीं हुआ ना, तो ये चॉप सही से नहीं होगा। और इसे ना इस तरीके से चॉप कर लेंगे, ये देखो 2 से 3 बार करूंगी, एक्चुअली ये थोड़ा सा फंस रहा है। तो बस आप इसे ना ऐसे 2 से 3 बार चॉप कर ले, बहुत बारीक तो करना नहीं है। 2 से 3 बार में ना ये प्याज और कोथमीर आपकी रेडी हो जाएगी। तो फाइनली देखो 3 से 4 सीटी हो गई थी, और मैंने बंद करके इसे थोड़ा सा ठंडा कर ली हूँ। अब क्या करना है, हमें इसे एक ना बड़े से थाले में निकाल ले। तो यहाँ पे देखो मैं सारा की सारा जो मिक्सचर है ना, एक बड़े से थाले में निकाल ले रही हूँ, और इसे सबसे पहले तो मुझे एकदम रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ठंडा होने देना है। तो ये हल्का सा ठंडा हो चुका है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे मैंने सिलबट्टा या कूटनी होती ना वो ले ली हूँ, और ये जो अक्खा अक्खा मेरा मसाला है ना, बस ये गरम में मुझे इस तरीके से कूटते जाना है, ये जो मेरी चिकन वगैरह है, क्योंकि ये गरम गरम में ही ना बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी, और कुक होने के बाद ना ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, वरना जब अगर ये एक बार ठंडा हो जाएगा ना, तो ये पूरा जम जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें सबसे पहले इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखो मेरा बैटर जो है ना शामी कबाब का रेडी हो गया। अब जो प्याज और मैंने कोथमीर को चॉप करके रखी थी, उसे भी ऐड कर दूंगी, और हाथों की मदद से खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। ये चिकन का शामी कबाब आप किसी दिन मेरे तरीके से बना के खाना, इतना लजीज बनता है ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस यही है कि थोड़ा हाइजीन से मैं जैसा बना रही हूँ, ऐसा मत बोलना आप कि आप हाथों से मिक्स करें, मैंने बहुत हाइजीन से खाना बनाई हूँ। 10 बार तो मैंने अपने हाथ धोई हूँ, बिकॉज ये जो कबाब है वो हमें ही खाना है इसके लिए। तो यहाँ पे देखो हाथों की मदद से कबाब को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब चलते हैं इसे गर्मा गर्म फ्राई करने। तो इसे मैं करूंगी अंडे की कोटिंग में फ्राई, तो मैं आपको अभी बताती हूँ मैं अंडा कैसे रेडी करना। अब यहाँ पे ले ले रही हूँ मैं 2 एग 2 अंडा ले ले आप, इसमें से ये वाइट जो है वो निकाल ले, ये गिर गया थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे मेरे जो क्वांटिटी है ना शामी कबाब की बहुत अच्छी खासी है, इसीलिए मैंने 2 अंडा लियो। इसमें मैं ऐड करूंगी बहुत थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा नमक, बहुत ज्यादा नहीं करना है, वरना एग आपका बहुत ज्यादा खारा हो जाएगा। अब इसे इस तरीके से फेंट लेंगे। अब तवे पे ना मैं ऐड कर रही हूँ तेल, क्योंकि अब हम तलेंगे गर्मा गर्म शामी कबाब, और शामी कबाब के साथ ना आप ग्रीन मिंट चटनी बनाओगे ना, तो बहुत लाजवाब लगती है।
अब हाथों को थोड़ा सा पानी लगा के गीला कर ले। और शामी कबाब आपके ऊपर है, आपको कितना सॉफ्ट चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा हार्ड चाहिए तो आप हार्ड भी बना सकते हो। मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट बनाई हूँ बिकॉज हमें सॉफ्ट शामी कबाब खाना पसंद है। और अगर आपको चाहिए तो आप विदाउट अंडा भी कोटिंग कर सकते हो। डायरेक्ट ये जो कबाब है ना, आप वो तेल में भी फ्राई कर सकते हो, बट हमें अंडे के साथ खाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसके लिए जो है ना मैं अंडे की कोटिंग कर रही हूँ। अब तेल को पहले देख ले आप गर्म है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके आप इसे ऐड कर दें। तो इसी तरीके से क्या करना है आपको, आप ये स्टोर भी करके रख सकते हो, ठीक है। अगर आप इसे थोड़ा स्टोर करके रखोगे तो आप हफ्ता भर महीना भर जो है ना शामी कबाब को मजेदार तरीके से यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो मेरा शामी कबाब है जो गर्मा गर्म एकदम अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो थोड़ा सा जो है ना अपने को अंडे को गोल्डन करना है, एंड देन उसके बाद जो है ना हम शामी कबाब को फ्राई करेंगे पलट के। तो यहाँ पे देखो मैंने एक शामी कबाब जो है ना पलट ली हूँ। इसी तरीके से आप थोड़े से अंडे को गोल्डन फ्राई होने दें ताकि आपका अंडा जो है बहुत अच्छी तरीके से कुक हो जाए, कच्चा बिल्कुल भी ना रहे। एंड देन आपको क्या करना है, शामी कबाब को पलट देना है और सेकेंड साइड से भी आपको इसे थोड़ा सा कुक कर लेना है। ये वाला मैंने लास्ट में डाली थी, इसके लिए मैं इसे हल्का सा क्या करती हूँ कि थोड़ा सा कुक होने देती हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरा शामी कबाब जो है माशाल्लाह होते जा रहा है, और जो जो हो जा रहा है ना शामी कबाब उसे मैं निकाल ले रही हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा तेल जो एक्स्ट्रा है वो निकाल लेंगे हम। और उसके बाद यहाँ पे देखो गर्मा गर्म जो शामी कबाब है माशाल्लाह मेरा रेडी हो गया है। इस तरीके जोहान की तबीयत बहुत खराब है मेरा, हाँ पापा ले रही ले रही। तो यहाँ पे देखो माशाल्लाह शामी कबाब जो है रेडी हो गया है। और यहाँ पे मैंने ये वाली ग्रीन चटनी बनाई हूँ, शामी कबाब ग्रीन चटनी और रोटी। माशाल्लाह चलते हैं डिनर इंजॉय करने। आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।